अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, महिषासुर बनकर भूसा खाता है ये शख्स, वायरल वीडियो में देखें क्या है सच्चाई। नागपंचमी के दिन एक सामान्य शख्स महिषासुर बन जाता है, पशु के नाद में भरे भूसा को खाने लगता है। गुरुवार को इस नागपंचमी को भूसा खाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। महाराजगंज के कोलही क्षेत्र का एक शख्स नागपंचमी के दिन पशुओं की तरह नाद में भूसा खाता है। यह वीडियो जिले में तेजी से वायरल हो रहा है। कोलहीपुर के रुद्रपुर शिवनाथ गांव का रहने वाला बुधीराम पिछले कई वर्षों से इस तरह भूसा खाता है। रुद्रपुर शिवनाथ गांव का रहने वाला बुधीराम रोडवेज का सेवानिवृत्त कर्मचारी है। इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई थी। वह कई सालों से नागपंचमी पर हर तीसरे साल गांव में ही स्थित माता के मंदिर में स्थापित महिषासुर की प्रतिमा के सामने पशुओं के खाने के नाद में ही पशुओं की तरह भूसा और चारा खाता है। उसकी यह अद्भुत आस्था देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। बुधीराम का दावा है कि पिछले 40 से 45 साल से उस पर महिषासुर की सवारी आती है। ऐसा हर 3 साल के अंतराल में नागपंचमी के दिन होता है, बाकी दिन वह सामान्य जीवन जीता है। नागपंचमी पर भी वह कुछ समय के लिए ऐसा होता है और फिर पूजा पाठ के कुछ घंटों बाद ही वह सामान्य हो जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से वह भूसे को बड़े ही चाव के साथ खा रहा है। तो दोस्तों आप ही बताइए इसे क्या कह सकते हैं। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ इस वीडियो को देखकर कि कैसे कोई भी शख्स भूसा खा सकता है, लेकिन ये असलियत का ही वीडियो है। वैसे आश्चर्य की बात तो है, किंतु उन लोगों को ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा जिन्होंने कुछ समय पहले इन डॉक्टर साहब को गोबर खाते हुए देखा था। इन्होंने गोबर खाया और बाद में गाय का मूत्र भी पिया और इसके अनेकों फायदे बताए, और उसके बाद लल्लन टॉप पर इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ऐसा करने के कुछ समय बाद ही ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और कुछ लोगों ने इनसे प्रेरणा लेकर जगह जगह कई एक वीडियोस फोटो सामने आए थे जिनमें लोग अपने शरीर पर गोबर लेपे हुए दिखे थे। तो इन डॉक्टर साहब का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वीडियो ज़रूर प्रेजेंट करेंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। और ऐसे ही अजब गजब फैक्ट के टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।